स्वागत है आपका मेरे किचन में। मैं हूँ शिवानी शर्मा और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक डिश जो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है बट एट द सेम टाइम वो अपना वेट भी कंट्रोल करना चाहते हैं। सो दिस डिश इज फॉर द पीपल लाइक मी। सो ये मैं बनाने जा रही हूँ विच यू कैन कॉल गुटकी चिक्की, बट यहाँ हम कोशिश करेंगे इस डिश को हाई प्रोटीन बनाने की। सो इस डिश को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी, मैंने लिया है एक कप शक्कर, इट्स जस्ट द रॉ फॉर्म ऑफ शुगर, और जो कि यूपी से है या राजस्थान से है वो जानते हैं ये गुड़ का ही एक फॉर्म है। आप गुड़ को भी यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए आपको उसे थोड़ा बारीक मैश कर लेना होगा। इसके साथ ही मैंने लिया है 1/3 कप ऑफ आलमंड्स, मैंने इसको मिक्सर में डाल के जस्ट एक क्विक ब्लेंड किया है, आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप ऑफ पिस्ता एंड कैश्यू, मैंने 50-50% रेशो रखा है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1/3 कप ऑफ पीनट्स, और यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ वाटर, एंड ये मैंने साथ में यूज करूंगी 1/2 टीस्पून इलायची और 1 टीस्पून मेलन सीड। मेलन सीड ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं यूज करूंगी थोड़ा सा नमक, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और मैंने एक प्लेट को ऑलरेडी ग्रीस करके रख लिया है क्योंकि बिलीव मी जब आप डिश बनाएंगे तो इट विल बी रियली क्विक एंड यू आपको इसको तुरंत स्प्रेड करना होगा, सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही प्लेट को रेडी करके रखें। अपनी डिश में बनाने जा रही हूँ आज मेटेलिक पैन में, आप चाहें तो नॉन स्टिक भी यूज कर सकते हैं बट आई प्रेफर नॉट टू यूज नॉन स्टिक एज मच एज पॉसिबल। और इसका एक और फायदा है स्टील में बनाने का कि आप इजीली अपनी डिश को स्क्रैच आउट कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम ये अपनी डिश कैसे बनाते हैं। बिलीव मी इट्स सुपर इजी, सुपर क्विक एंड सुपर डिलीशियस। सो इस डिश को बनाने के लिए मैं अपने पैन को हीट करूंगी लो फ्लेम पे क्योंकि मुझे पहले अपने सभी ड्राई फ्रूट्स में रोस्ट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने लो हीट पे अपना गैस ऑन कर दिया है। साथ ही साथ सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे अपनी पीनट्स। आपको दोस्तों यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि अगर आप बहुत तेज हीट पे इसको फ्राई करना चाहेंगे तो बिलीव मी ये जल जाएंगी एंड इट विल नॉट बी एज क्रिस्पी एज यू वॉन्ट। तो यहाँ मैं इसे लगभग 2 मिनट के लिए बहुत ही हल्की आंच पे फ्राई करूंगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी मूंगफलियां लगभग भून चुकी हैं। इसका एक इजी सा टेस्ट है जो कि आप देख सकते हैं कि जब मूंगफलियां क्रैक होने लगे इसका मतलब वो काफी हद तक भून चुकी हैं। तो अब हम इन्हें एक अलग पैन में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस पैन में हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट जो कि हमारे पिस्ता चीज एंड कैश्यू और साथ में बादाम और मेलन सी सब मिला के बहुत ही लो फ्लेम पर धीरे धीरे भून लेंगे ताकि अगर इसमें कोई मॉइस्चर है तो वो ना रहे और हमारी चिक्की क्रंचीज बने। सो मैं इसे लगभग 30 सेकेंड to 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। सो लेट्स डू इट। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राई फ्रूट मिक्स है वो काफी हद तक भून गया है। इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है वरना हमारे पिस्ता और काजू जल सकते हैं। सो हम यहाँ गैस को बंद करेंगे और इसको एक पैन में ठंडा करने के लिए एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल देंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी मूंगफलियां अब ठंडी हो चुकी हैं और हमें इन मूंगफलियों के छिलके अलग करने हैं, तो हम इन मूंगफलियों को सिंपली धीरे धीरे मैश करेंगे ताकि ये अपना जो बाहर का छिलका है वो छोड़ दें और फिर हम धीरे धीरे इन्हें इनके छिलकों से अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपनी मूंगफली के छिलकों को बिल्कुल अलग कर लिया है और अब हम अपनी गुड़ की चाशनी तैयार करते हैं। गुड़ की चाशनी तैयार करने के लिए हम अपनी पैन को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे दोस्तों और साथ में हम उसमें डालेंगे गुड़। मैंने यहाँ 1 कप गुड़ लिया है जो कि
इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑफ वाटर, आप चाहें तो इसमें एक चम्मच घी का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों, मैंने घी अवॉइड किया है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस को हम थोड़ा सा मीडियम से हाई रख सकते हैं, बट याद रखिए आपको इसको लगातार चलाना होगा। हमारा गुड़ बहुत ही जल्दी इसमें घुल जाएगा दोस्तों, आप लगातार इसको चलाते रहिए। हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हैं, जब एक बार गुड़ हमारा घुल जाता है और इसको चलाते रहेंगे। इसके लिए हमें 2 तार की चाशनी बनानी होगी, तो गुड़ को लगातार चलाते हुए हम बीच बीच में चेक करेंगे जब एक बार इसमें उबाल आ जाएगा। आप लोग देख बहुत अच्छे से खद रहा है, आप इसको लगातार चलाएंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि हमें इस बर्फी को बनाने के लिए और स्टिकी को बनाने के लिए 2 तार की चाशनी चाहिए, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा गुड़ जल जाए। आप गुड़ को लगातार चलाएंगे और हम बीच बीच में चाशनी को चेक करेंगे। ये हमारी चाशनी आप देख सकते हैं पतली है, तो हमें यू कैन सी इट्स थिन, तो हम इसे थोड़ा और चलाएंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे विदिन फ्यू सेकेंड्स आपका गुड़ गाढ़ा होता चला जाएगा। हम लोग को बीच बीच में चाशनी को चेक भी करते रहना है, क्योंकि अगर हम चाशनी बहुत टाइट कर देंगे तो हम अपनी बर्फी नहीं जमा पाएंगे। अभी हमारी 2 तार की चाशनी तैयार नहीं हुई है, ये हमारी 1 तार की चाशनी है, तो हमें गुड़ को थोड़ा और पकाना होगा। आप हर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद अपने गुड़ की चाशनी को चेक करेंगे, क्योंकि मैं अपनी गुड़ की चाशनी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बार बार इसे चेक कर रही हूँ। हमारी गुड़ की चाशनी थोड़ा गाढ़ी हो गई है, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा और पकाना होगा। तो हमारी चाशनी एकदम तैयार हो गई है, इसमें हम फटाफट से अपनी मूंगफली और अपने भुने हुए सभी ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक। और इसके बाद हमें इसको बहुत ही जल्दी से मिक्स करना होगा। ये हमारी इसी में जमने लगेगी, तो आपको इसको बहुत जल्दी मिक्स करना होगा दोस्तों। और गैस की फ्लेम को याद रखिए, मिक्स करने से पहले आप इसमें बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये हमारी मिक्स हो जाती है और आपको लगता है कि बहुत टाइट हो रही है, हम इसको अपनी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और आप जो साइज जो डिज़ाइन इसको देना चाहें आप दे सकते हैं। तो जब ये गीला है आपको तभी इसे चाकू से हल्का हल्का काट लेना है, जैसे कि मैंने किया है, और फिर इसको हम सूखने के लिए लगभग आधा घंटा छोड़ देते हैं। हमें अभी आधा घंटा हो गया है और हमारी चिक्कियां एकदम ठंडी हो गई थी, मैंने इन्हें चाकू की मदद से निकाल दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चिक्कियां बहुत ही डिलीशियस लग रही हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है। सो दोस्तों, एंजॉय कीजिए ये चिक्कियां। जिन लोगों को वेट कंट्रोल करना है या डाइट मेंटेन करनी है वो भी इस चिक्की को खा सकते हैं, अ स्मॉल अमाउंट वंस अ टाइम। सो बाकी सब लोग चिक्कियों को एंजॉय कीजिए एज मच एज यू वांट। थैंक यू।